नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ग्रुप में। दोस्तों भाई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है रेलवे ग्रुप डी के लिए, जनरल साइंस की जो क्लास चला रहे हैं हम, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए पाँचवें नंबर का वीडियो लेकर आ गया हूँ। उसके पहले मैं चार वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ इस सीरीज़ का। जिन भी बच्चों ने नहीं दिखाया तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। क्या पर ऊपर आपके आई का बटन होता है, वहाँ पर भी मैंने जोड़ दिया है। देखिए, जो नए बच्चे आए मैं उनको एक मिनट में बता देता हूँ कि इस जनरल साइंस, देखिए ग्रुप डी में आपको पता होगा कि ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम होगी उसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। और ये 25 में से 25 अगर आप मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को डेली फॉलो कीजिए। 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये सभी वही क्वेश्चन है जो रेलवे अभी करंटली पूछ रहा है एग्ज़ाम्स में। आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस जनरल साइंस की जो सीरीज़ है ग्रुप डी के लिए, स्पेशली 2021 ग्रुप डी 2021 के लिए, उसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट जो होते हैं जनरल साइंस के अंतर्गत, उससे क्वेश्चन दिए हैं। 8 क्वेश्चन के समथिंग इससे, 8 क्वेश्चन इससे, 8 क्वेश्चन मतलब 8 से 10 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से मैंने लिए हैं, जिस रेशो में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। तो चलिए, आज का पाँचवें नंबर का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल साइंस रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2021 के लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारे ये वीडियो जो डेली आ रहे हैं, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को आखिरी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देते चलना है डेली की तरह, ठीक है ना। तो चलिए, आज का हमारा पाँचवें नंबर का वीडियो रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? VIMP क्वेश्चन है वाला, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, अप्सरा। जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है उसका नाम क्या है? अप्सरा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है अभी रिसेंटली, जो एग्जाम हुए हैं रेलवे NTPC के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है। तो देखिए, नॉर्मन ई बोरलॉग है जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लाल मिर्चें तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है दोस्तों? क्योंकि उसमें कैप्साइसिन, जो कैप्साइसिन होता है वो, उसकी उपस्थिति के कारण ही जो लाल मिर्ची होती है वो तीखी मतलब बहुत ही तेज होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फिरोमोन्स पाए जाते हैं, देखिए फिरोमोन्स इनमें से किस में पाए जाते हैं दोस्तों? ये कीटों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं फिरोमोन्स? कीटों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक को गैमेक्सीन कहा जाता है? इनमें से किस यौगिक को गैमेक्सीन कहा जाता है? तो दोस्तों, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सीन भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है? तो किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ये कार्निया का प्रयोग किया जाता है। जो नेत्रदाता होता है उसकी कार्निया वाली जो पार्ट होता है आँख का, उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है कौन सी होती है? घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है दोस्तों, धुवन होती है। धुवन ऐसी घटना होती है जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भोजन का एक प्रमुख अंग इनमें से कौन सा है? भोजन का एक प्रमुख अंग इनमें से कौन सा है दोस्तों? दोस्तों, ये है आपका कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है भोजन का एक प्रमुख अंग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये रेडियो सोडियम का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? रेडियो सोडियम का। अगला प्रश्न की दोस्तों, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जो संवहनी पौधे होते हैं उसमें पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू के माध्यम से जाता है दोस्तों। किससे जाता है? जाइलम टिश्यू के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है? अगर आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख के रोग को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको मोतियाबिंद कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता वह व्यक्ति होता है जिसका रुधिर वर्ग होता है, जिसका रुधिर वर्ग क्या होता है दोस्तों? तो ओ, जिसका रुधिर वर्ग ओ, उसे सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीतल मिश्रण है, पीतल इनमें से किसका मिश्रण होती है दोस्तों? ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। पीतल किसका होता है? जस्ता और तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं दोस्तों? ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, जो राइबोफ्लेविन होता है उसकी कमी से ओष्ठ विदर्ता रोग होता है। कौन सा रोग होता है?
ओष्ठ विदर्ता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है, तो दोस्तों ये एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होता है। किसका होता है? एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो मोनाजाइट किसका अयस्क होता है दोस्तों, ये होता है आपका थोरियम का अयस्क माना जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? थोरियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मीनी माता व्याधि का मुख्य कारण इनमें से क्या होता है, तो देखिए जो मीनी माता व्याधि होती है उसका मुख्य कारण होता है पारद विषाक्तता। क्या माना जाता है? पारद मतलब पारा विषाक्तता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, ये वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में। किसका किया जाता है? वनस्पति तेल का प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो ये है दोस्तों आपका ग्यूजेनॉल। क्या होता है? ग्यूजेनॉल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है, तो देखिए जो बुलेट प्रूफ वस्तुएं होती है, चाहे वो गाड़ी की बात कर लो आप, बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, या फिर मैक्सिमम बुलेट प्रूफ जॉकेट्स बनती है, ठीक है ना, तो उनमें किसका उपयोग किया जाता है? पॉली कार्बोनेट होता है दोस्तों। क्या किसका प्रयोग किया जाता है? पॉली कार्बोनेट। VIMP क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला बहुत ज़्यादा संभावना है इसके एग्जाम में आने की। अगला प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत बार आपने सुना भी होगा, ये होता है दोस्तों आपका 120 से 80 होता है। कितना होता है? 120 to 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो देखिए कहाँ पर भंडारित होता है मानव शरीर में विटामिन ए, आपके यकृत में होता है। कहाँ पर भंडारित होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो देखिए जो पदार्थ के संवेग और वेग को आप अनुपात में मिला लेंगे तो उससे कौन सी भौतिक राशि बनेगी? द्रव्यमान। सुना भी होगा आपने, द्रव्यमान इक्वल टू संवेग अपान वेग, ठीक है ना, ये फार्मूला भी होता है। चलिए अगला प्रश्न की दोस्तों, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, सामान्यतः किन में पाया जाता है, आपने अगर ये नाम सुना हो सेरेब्रल पॉल्सी, ये बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा 5वें नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया है ग्रुप डी के लिए, इसके पहले अगर 4 वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा एक बटन से, या फिर प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अभी आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक मास्टर वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है ना, साइंस का एक मास्टर वीडियो आएगा जो कम से कम 4 घंटे में मैं आपको 3 से 4 घंटे में मैं आपको 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँगा एक ही वीडियो में, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो जल्दी जल्दी आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कौन कौन रेडी हैं इस वीडियो को देखने के लिए, कौन चाहते हैं कि ये वीडियो आना चाहिए एक ही वीडियो में, मैं आपको पूरे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही, और लगभग लगभग 4 घंटे का मास्टर क्लास होगी, ठीक है ना, और ये वही प्रश्न होंगे जिस तरह के क्वेश्चन अभी रेलवे पूछ रहा है। तो चलिए वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।